फ्रेंड्स, मम्मी पापा की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैर और मेथी दाना इन दोनों को मिलाकर सब्जी बनाएंगे, जिनको मैंने इसको 3-4 घंटे के लिए सोक किया। सोक करने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से धोया, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह राख सब कुछ जो प्रिजर्व करने के लिए इसको लगाया जाता है राख, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से धोने के बाद अब इसको ड्रेन कर दिया। अब ये मेथी दाना, इसको भी मैंने 3-4 घंटे के लिए सोक किया, लेकिन इसमें सबसे पहले हमें ये जो कैर है इनको बॉयल करना होगा नमक और हल्दी के पानी में। 1 गिलास पानी बॉयल करने के लिए रख दिए, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। सोक किए हुए और वाश किए हुए कैर इसके अंदर डाल दें और इसको प्रेशर कुक करें। जब तक हमारे कैर बॉयल हो रहे हैं तो दूसरी साइड हम मेथी दाना भी बॉयल करके रख लेते हैं। 1 कटोरी अगर कैर है तो उसका 1/4 भाग मैंने मेथी दाना सोक किया था, गर्म पानी मैंने करना रख दिया। अब इसके अंदर हम इसको बॉयल करेंगे। मेथी दाना को हम इसलिए बॉयल कर रहे हैं क्योंकि इससे इसका कड़वापन दूर हो जाएगा। कैर बहुत अच्छे से पक गए हैं, मैंने इनको हाई फ्लेम पर 4 सीटियां दिलवाई हैं। अब इसका पानी हम फिर से ड्रेन करेंगे, अच्छे से धोएंगे, फिर इसको सब्जी में यूज़ करेंगे। लेकिन जो पानी ड्रेन करने के बाद हम इस पानी को पी भी सकते हैं, जो हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेथी दाना भी पक गया है, मैंने इसको बॉयल होने के बाद लो फ्लेम पर 3-4 मिनट तक कुक कर लिया। अब इसको भी ड्रेन कर दें और फिर से इसको अच्छे से वॉश कर लें। अब हम सब्जी की ग्रेवी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने सरसों का तेल गरम कर दिया है और सबसे पहले हम जीरा डालेंगे, हरी मिर्च, अदरक, खड़ी लाल मिर्च और तेज पत्ता। नमक, हल्दी, लाल मिर्च, हींग, सौंठ पाउडर, धनिया पाउडर, टमाटो प्यूरी, मसाला बहुत अच्छे से पक गया। अब इसमें हाथ से मैश किया हुआ 1 चम्मच दही डाल दें और इसको बराबर चलाएं। राजस्थान की सब्जियों की इतनी शान है कि बनाने में भी मजा आता है और खाने में भी मजा आता है। मुझे तो राजस्थान के लोग और उनका कल्चर दोनों ही बहुत पसंद है। ग्रेवी में पानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार मिलाएं। ग्रेवी में बहुत अच्छे से बॉयल आ गया। अब इसमें बॉयल्ड कैर और मेथी दाना दोनों। अब हम इसमें बॉयल आने के बाद इसको ढककर लो फ्लेम पर थोड़ा और पकाएंगे। सब्जी बहुत अच्छे से पक गई है, मैंने इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट्स तक और अच्छे से कुक कर लिया। अब हम इसमें गरम मसाला, चाट मसाला, अमचूर और थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और साथ में इसको धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। कैर और मेथी दाना की सब्जी अब हमारी सर्व करने के लिए तैयार है। देखें कितनी डिलीशियस और बढ़िया सब्जी बनी है। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप उनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।